विजयनगर थाना अंतर्गत इन दिनों अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। जबकि विजयनगर क्षेत्र शहर का पॉश इलाका माना जाता है, तो वहीं विजयनगर पुलिस का दावा रोजाना गश्त करने का होता है। तो वहीं देखा जाए कि यदि विजयनगर थाने के द्वारा रोजाना गश्त की जाती और वैध पूरी तरह से चुस्त होती तो आए दिन चोरी लूट जैसी घटनाएं नहीं होती। वहीं इन दिनों देखा जाता है कि विजयनगर थाना स्टाफ केवल वाहन चेक इन पर ही ध्यान देता है। इसी के चलते कल विजयनगर क्षेत्र से दिन दहाड़े समाजसेवी सीमा पचौरी व उनके पति श्रीकांत पचौरी के अपहरण किए जाने की कोशिश की गई। अपहरणकर्ताओं ने वारदात को अंजाम तहसीलदार नीता कोरी के वाहन से दिया। हम आपको बता दें कि अपहरणकर्ता सीमा पचौरी के घर तहसीलदार की गाड़ी से पहुंचे और वो वहां नहीं मिले। दरअसल वे अपना इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के यहां गए हुए थे, तो वहीं अपहरणकर्ता भी डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गए और सीमा पचौरी के पति को जबरन अपने साथ घसीटते हुए गाड़ी में बिठाने लगे, जिसके बाद सीमा पचौरी ने साहस का परिचय देते हुए अपने पति को मौके से बचा लिया। जिसके बाद पीड़ित सीमा पचौरी विजयनगर थाने पहुंची, लेकिन विजयनगर पुलिस ने केवल एक आवेदन लेकर अपनी रस्म अदायगी कर दी, जिसके बाद घटना के 24 घंटे के बाद मामला दर्ज किया गया। कल हम अपने घर पे 9:30 बजे हमने हमारे ड्राइवर को फ़ोन लगाया कि हमको डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो वो नहीं आया, लेट आ गया। हमने उसको थोड़ा सा डांट दिया फ़ोन पे। उसके बाद हम डॉक्टर के यहाँ चले गए तो हमारा ड्राइवर तहसीलदार की गाड़ी पे लेके 3-4 लड़कों को लेके हमारे घर आया, बैल बजाई। हमारे बच्चों ने डर के मारे दरवाजे नहीं खोले। फिर हमारे ड्राइवर को पता था कि हम किस डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो ड्राइवर डॉक्टर के यहाँ गया और डॉक्टर साहब मेरा VP नाप रहे थे, तो ड्राइवर और 2 लड़के अंदर घुसे और मेरे मिस्टर की कॉलर और हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती जो गाड़ी में बैठाने लगे। तो वो गाड़ी तहसीलदार की गाड़ी थी, उसमें तहसीलदार लिखा था गाड़ी में, तो बैठाने लगी। फिर मैं तो चिल्लाई, फिर मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को फ़ोन लगाया वरिष्ठ अधिकारियों को, और फिर मैंने ड्राइवर को चिल्ला के बोला, मैंने कहा तुम किसी की सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग कर रहे हो, किसकी गाड़ी है, किस तहसीलदार की गाड़ी है। तो वो डर के मारे सब चारों लोग भाग गए। तो मेरा ये मानना है कि शासकीय गाड़ी का आप दुरुपयोग कर रहे हो। और बाद में हमने गाड़ी का नंबर नोट किया, उसके बाद फिर हमको पता चला कि वो गाड़ी पनागर तहसीलदार कोई नीता कोरी मैडम की है। उनसे भी मैंने बात करी तो वो बोल रही थी कि हमने अपनी गाड़ी ड्राइवर को दी थी क्योंकि हमारे यहाँ जगह नहीं थी घर में रखने के। आपने पुलिस को कंप्लेंट की? पुलिस में कल मैंने आई थी, शिकायत दी, कल रात में भी मैं आई थी और अभी फिर मुझे विजयनगर थाने बुलवाया तो FIR करवा रहे हैं कि आगे कोई चीज़ ना बढ़ पाए, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं। आप क्या कार्रवाई चाहते हो? अब ये हम तो यही कार्रवाई चाहते हैं कि उनको सज़ा मिले और जो सरकारी गाड़ी पे जो अन्य दुरुपयोग कर रहे हैं उन पे भी कार्रवाई हो। ऐसे में वो कोई भी बड़ी अंजाम दे सकते हैं ना सरकारी वाहन का। ये तहसीलदार मैडम की गलती है कि वो गाड़ी उनको अपने घर पे रखवाना चाहिए, नई जगह है तो घर के बाहर रखवाइए।